शिव सेना का अब पतन है। और सोनिया गांधी के घर गए थे, उन्होंने इनको ठोकर मार के बाहर निकाल दिया। ये किस मुंह से, जिस सोनिया गांधी को बाल ठाकरे जी इटालियन कहते थे, ये उसके घर में चरण पकड़ने गए और आज उनको कांग्रेस ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। इनके लिए डूब मरने की बात है। अब महाराष्ट्र की और बॉम्बे की जनता आने वाले इलेक्शन के अंदर इनको जवाब देगी, इनकी जमानतें जब्त होंगी। जिस बेटे को लेकर ये पहली बार जीते थे, अब की बार वो जमानत भी लेके लिए बोर्ड लेके आ जाएगा, तो बात कर लेना। क्योंकि बॉम्बे की जो जनता है वो बिजनेसमैन है, पढ़ी लिखी है, वो जानती है कि वो इतना कीमती समय निकाल के वोट डालने जाती है, उसका इन्होंने अनादर कर दिया है। इसका फल बहुत जल्दी मिलेगा। शिवसेना का पतन है। आने वाले टाइम के अंदर भारतीय जनता पार्टी की फुल बहुमत से, पूरे बहुमत से सरकार बनेगी। और मुझे ऐसे लगता है कि शिवसेना के जो हृदय से शिव सैनिक हैं, जो हृदय से हिंदू की बात करते हैं, बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा धड़ा शिवसेना को छोड़ के अलग हो जाएगा, सरकार बनाने। बिल्कुल बिल्कुल होगा ऐसा। तो अगर बाला साहब ठाकरे होते, वो देख रहे होते आज का जो घटनाक्रम देख रहे होते, तो क्या कहते वो? क्योंकि मैडम सोनिया ने उनको ठुकरा दिया है, उनके बेटे को जो है ठुकरा दिया है। बाला साहेब ठाकरे अगर आज जिंदा होते ना, तो वो कभी भी ये समझौते पर नहीं आते कि वो एनसीपी शरद पवार की पार्टी और कांग्रेस सोनिया गांधी इटालियन की पार्टी, उन दोनों के साथ समझौता करके महाराष्ट्र में सरकार बनाए। तो बाला साहेब ठाकरे अगर आज इस वक्त मौजूद होते तो इस बात पर कभी भी नहीं मानते, कभी भी नहीं मानते कि वो आदित्य ठाकरे को सत्ता पर बैठाने के लिए शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस से गठबंधन कर ले। तो ये बात तो आप बोलिए ही मत, ये उद्धव ठाकरे की ही नीति है, ये इनकी ही षड्यंत्र है, इनका ही गंदा चाल है कि इस तरह से किसी भी तरह से उनको सत्ता पे काबिज करने के लिए कुछ भी करवाने के लिए तैयार हैं, जो बहुत अपने आप में गलत है और पार्टी से समझौता है, जो इनको समझना चाहिए। सीधी सी बात है, एनसीपी कांग्रेस में जो है बात नहीं बन पाई और लास्ट मोमेंट में जो है राष्ट्रपति शासन लगने की बात हो रही है, अभी से खबरें आ रही हैं। तो किस तरह से देखिए, एक पुत्र मोह के उसमें और अपने जो है सिद्धांतों को तिलांजलि देते हुए ये जो है जनादेश का अपमान और किस तरह से जो है ये शिवसेना ने किया, तो क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है, जब इन्होंने पुत्र मोह अपना किया था, माँ बेटे और माँ और पति ने, उद्धव ठाकरे ने और उनकी श्रीमती ने जब कहा था हमारा पुत्र ही मुख्यमंत्री होगा, तो इन्होंने उसको देखते हुए अपनी दोस्ती तोड़ी कि हम मुख्यमंत्री रहेंगे, पहले हम बनेंगे, बाद में आप हमें। तो याद आ गई उसकी मायावती की, मायावती ने भी यही काम किया था कल्याण सिंह के टाइम पे, पहले उसने मुख्यमंत्री का पद ले लिया, जब टाइम आया तो उन्हें पल्ला झाड़ लिया। तो बीजेपी इस चीज़ से भुगती हुई थी, कहीं शिवसेना यही काम तो नहीं करेगी। इसी चक्कर में उन्होंने ये कहा था, भाई आपको हम डिप्टी दे रहे हैं, आप डिप्टी में आ जाओ, आपकी इतनी सीटें नहीं हैं। पर क्या कारण के कि उनके जो है ना संजय राउत, वो बहुत बड़ बोला, उसने इनको डुबो दिया। ये उन्होंने सबसे सांठ गांठ करी, एनसीसीपी से सांठ गांठ करी, फिर उधर से सांठ गांठ करी उसने। एनसीसीपी तो पार्ट किसका है, कांग्रेस का पार्ट है भाई ये, तो उससे उन्होंने सांठ गांठ करी, मिटके में मिटके चली। इन्होंने अपनी सालों की दोस्ती तोड़ दी सिर्फ एक सीट के लिए। भाई अगर थोड़ा ये मान जाते, सबर रख लेते, तो क्या आगे अच्छे दिन है? और पहली बार ही इनको इतनी वोट मिली है, किससे? एनडीए के वजह से। पहले कभी नहीं मिली शिवसेना को इतनी सीटें, आज मिलने के कारण उन्होंने नया ब्लैकमेल करना शुरू किया। और वहाँ की महाराष्ट्र की जनता भी आज बड़ी दुखी है कि बताइए, शिवसेना ने जो हिंदू राष्ट्र अपने आप को बताते थे कट्टर, आज जनादेश का उन्होंने बहुत बड़ा अपमान किया है। और जो ये गांधी के पास गए, भाई ये तो बड़े शर्म की बात है, चुल्लू भर के पानी लेके इनको डूबना चाहिए, मरना चाहिए इनको। क्योंकि क्या मतलब था सोनिया गांधी के पास जाने का? इन्होंने तो सीधा एनसीसीपी से ही बात करी, तो उसी से के थ्रू कर लेते सारा कुछ। अब वहाँ राष्ट्रपति शासन लग गया है और ये लगना था, और इनकी मिली जुली सरकार ने चलना भी नहीं था। बाला साहेब ठाकरे कहा करते थे कि इटालियंस है, विदेशी है, कांग्रेस के शरणों में हम जाएंगे नहीं। उनके बेटे जो है उद्धव ठाकरे ने आज अपने पिताजी के सिद्धांतों को तिलांजलि देते हुए और अपने बेटे को आदित्य ठाकरे को ये मुख्यमंत्री बनाने के चक्कर में सारे जनादेश का वो कर दिया, रौन दिया, और उस सिद्धांतों को जिसको उनके पिताजी कहते थे कि हम कांग्रेस के शरण में नहीं जाएंगे, आज किस मुँह से फिर वो वापस लौटना और नई बात बनी सत्ता के लिए, नई बात बनी और राष्ट्रपति शासन लगने जा रहा, तो क्या कहेंगे? ऐसा है कि ये जो चुनाव लड़ा गया था, ये एनडीए ने लड़ा था, ये शिवसेना ने नहीं लड़ा था, भारतीय जनता पार्टी ने अलग नहीं लड़ा था,
एनडीए ने लड़ा था, और उद्धव ठाकरे ने ऐसा काम करके एनडीए को का जो जनमत मिला था उसका सम्मान, उसका सम्मान नहीं होने दिया, उसका अपमान किया, और इसका बदला ज़रूर पब्लिक लेगी। और एक बात मैं और बता दूं, आज नहीं तो कल ये जो जीते हुए शिवसेना के एमएलएज हैं ये बीजेपी के अंदर आएंगे, जो सिद्धांतवादी लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी यही कह रहा था। और ये सरकार बीजेपी की ही बनेगी, देखो ये आज नहीं तो कल, क्योंकि सिद्धांतों से जो समझौता करना जो है ये बहुत अपमानजनक बात है। राष्ट्रपति शासन लग गया है, कोई बात नहीं, परंतु फिर भी वहाँ पर अगर दोबारा चुनाव अगर होंगे तो शिवसेना का मलिया मीट हो जाएगा। बाला साहब ठाकरे कहा करते थे कि कांग्रेस के शरणों में नहीं जाएंगे, आज बेटे गए और फिर भी बात नहीं बन पाई और फिर राष्ट्रपति शासन लगने की बात आ गई, तो अब क्या कहें? ये सीधा सीधा अपनी पार्टी के सिद्धांतों से समझौता है। जैसा मैंने पहले बोल चुका हूँ कि अपनी जो शिवसेना जिस पार्टी जिस अपने एजेंडा के लिए जानी जाती थी, जो हिंदुत्व की बात के लिए जानी जाती थी, सीधा सीधा ये उसके साथ समझौता है। अगर आप देखें तो क्या हुआ कर्नाटका में जोड़ तोड़ करके कुमारस्वामी ने कांग्रेस के साथ सरकार बना ली और उसके कितने दिनों बाद सरकार वापस से टूट गई और वापस भाजपा फिर उस जगह पे आ गई। तो यही काम, यही गलती दोबारा शिवसेना दोहरा रही है। एचडी कुमारस्वामी 37 सीट ला के कर्नाटका में बैठ गए चीफ मिनिस्टर की कुर्सी में, और उसके बाद थोड़े ही दिन बाद वो रोते बिलखते हुए पाए गए मीडिया के सामने, वो खुद आकर ये बोलते हुए पाए गए कि मुझे कांग्रेस काम नहीं करने दे रही। तो इस बात को कौन निश्चय करता है, इस बात को कौन सुनिश्चित करता है कि अगर कांग्रेस से शिवसेना मिलकर गठबंधन कर ले तो कांग्रेस उनको महाराष्ट्र में सरकार चलाने देगी अच्छे से, कांग्रेस अपनी जोड़ तोड़ बीच में नहीं लाएगी, कांग्रेस अपने एजेंडे बीच में नहीं लाएगी। तो कहीं ना कहीं ये बाला साहब की इतनी पुरानी पार्टी के साथ और महाराष्ट्र की जनता के साथ, महाराष्ट्र की सोच के साथ, हिंदुत्व के साथ ये सीधा सीधा कॉम्प्रोमाइज़ है, सीधा सीधा समझौता है। और शिवसेना को इस गलती को समझना चाहिए। वो आज भी अगर चाहती है कि वो जनता के बीच में बनी रहे, जनता उनको इतना ही प्यार दे, इतना ही आशीर्वाद दे, तो वो अभी भी भाजपा से गठजोड़ कर ले और भाजपा के साथ सरकार बना ले, इसी में उसका फायदा है। और अगर नहीं तो फिर आगे जो होगा। आप क्या कहेंगे, शिवसेना फिर दोबारा से जो चुनाव जाती है 6 महीने बाद चुनाव कराने पड़ेंगे, और ये महाराष्ट्र पे जो है काफ़ी बड़ा जो है दबाव आएगा, कितना खर्चा होगा, पब्लिक का जो जनाब देश है उसका अपमान हुआ, बाला साहब ठाकरे के जिस सिद्धांतों को तिलांजलि दी गई है केवल मोह में, पद के मोह में, पुत्र मोह में, तो कहाँ तक जो है अब क्या भविष्य होगा ये शिवसेना का? देखिए, बाला साहब ठाकरे साहब ने, परिवार ने तो कभी इलेक्शन लड़ा ही नहीं, पहली बार परिवार से इलेक्शन उन्होंने लड़ा है, और वो पहली बार ही एक बिल्कुल फ्रेशर आदमी को चाह रहे कि सीएम की पदवी दे दी जाए सिर्फ अपने करियर को आगे चमकाने के लिए, जो कि बिल्कुल गलत है। उसको पहले पार्टी के साथ एनडीए के समर्थन को समर्थन में रहते हुए आगे काम करना सीखना चाहिए, अगली बार अपनी सीटें ज़्यादा लाए, देखे अगर अलग से लड़ना है तो अलग से लड़के, और अगर सीट ला सकती है शिवसेना तो वो सीएम के लिए दावेदारी करनी चाहिए। लेकिन अभी इस समय पर जहां उनकी सीटें भी कम हैं और बीजेपी की सीटें ज़्यादा भी आई हैं, लोग बीजेपी को ज़्यादा चाह रहे हैं, फडणवीस साहब ने काम भी अच्छा किया है, तो इस समय पर उनका सीएम पद के लिए दावेदारी करने के लिए, सिर्फ सीएम पद की दावेदारी करने के लिए बीजेपी का दामन छोड़ना गलत है, सरासर गलत है। और अगर राष्ट्रपति शासन लगा और दोबारा इलेक्शन हुए तो ये भी सुनिश्चित है कि इनकी जो सीटें हैं और भी कम होंगी, बीजेपी की सीटें बढ़ेंगी, इनकी हार होगी, ये अपना वर्चस्व खुद खो देंगे, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि आज तक का जो पिछला इतिहास है, पिछला ट्रैक रिकॉर्ड रहा है शिवसेना का बहुत अच्छा रहा है। उन्होंने कभी राष्ट्रद्रोह में कोई काम नहीं किया, हमेशा देश हित के बारे में सोचा। ठीक है, वो एक अलग बात हो सकती है, कभी कभी वो थोड़े बहुत कम्युनल चीज़ें उनकी से निकल के आती हैं, तो वो भी एक ज़रूरी चीज़ है, तो किसी हद तक वो भी हिंदुत्व भी एक ज़रूरी चीज़ है, वो अपने उसी स्टैंड पर बने रहें तो, और इसी स्टैंड से वो आगे बढ़े हैं, तो उनको एक गैर हिंदुत्व पार्टी कह लो या एक नॉन सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी कांग्रेस की या एनसीपी के साथ नहीं जाना चाहिए। और बात भी नहीं बन पाई, अब क्या भविष्य होगा? बिल्कुल, वर्चस्व और जनादेश की अगर बात करें तो वर्चस्व और जनादेश इसी चीज़ में निर्धारित किया गया था कि
बीजेपी और शिवसेना साथ में गठबंधन करके चुनाव लड़े। जनादेश उनको इसी मुद्दे पर मिला था कि वो साथ है, क्योंकि वो पार्टी हमेशा से साथ रही, बाला साहेब ठाकरे के टाइम से लेकर आज आदित्य ठाकरे का दौर है तब से लेकर के बिल्कुल साथ रही। और आज अगर शिवसेना इस बात से अपने समझौता करती है तो ये कहीं ना कहीं अपने लोग, जैसे ने भैया ने कहा बहुत बढ़िया कहा कि वर्चस्व जनता के बीच में जो आशीर्वाद है, जनता का जो उनको प्रेम मिलता आया है इतने सालों से, ये कहीं ना कहीं वो खो देंगे और ये कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक पार्टी को बिल्कुल मलियामेट करने का काम कर रहे हैं। शिवसेना अभी भी अगर इस बात को समझ ले, सत्ता की लालच में अगर ना आके अपने बेटे को क्या कर लेंगे, वो 5 साल अगर ऐसे मुख्यमंत्री को बैठा दें, इस बात को हमें समझने की ज़रूरत है। अगर हम ऐसे मुख्यमंत्री को महाराष्ट्र की कुर्सी पर बैठा देते हैं जो हमारे महाराष्ट्र को अच्छे से चला ना पाए तो क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा? वो पीछे से उनको संजय राउत और शरद पवार या फिर कांग्रेस के उनके कदम पे, उनके नक्शे कदम पे अगर आदित्य ठाकरे को चलना ही पड़ेगा, क्योंकि खुद तो उनके पास अपना तजुर्बा, निजी तजुर्बा है नहीं कि वो खुद कुछ बोल पाएँ, खुद कुछ एक्शन ले पाएँ, खुद कुछ कर पाएँ, उनको तो बाकियों के उन पर ही चलना पड़ेगा। तो यही कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की जनता के साथ, पार्टी के साथ और हमारे देश के साथ ये समझौता है जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इस बात पे शिवसेना अगर चाहे तो ध्यान दे सकती है, लेकिन अब वो बिल्कुल मानने ही को नहीं है, ख़त्म ही हो चुकी है, इनका पतन का बिगुल बज चुका है। इस बात को शिवसेना को समझना, स्वीकार करना चाहिए। ठाकरे साहब कहते थे कि कांग्रेस के शरणों में नहीं जाएंगे, चरणों में नहीं जाएंगे, आज ठुकरा दिए है उनके बेटे को, तो किस मुँह से वो अब जनता के सामने जाएंगे वोट लेने के लिए और क्या भविष्य रहेगा? क्योंकि जनता का, मतदाताओं का और मैं ये मतदाताओं का बहुत बड़ा घोर अपमान है महाराष्ट्र में, तो क्या भविष्य रहेगा अब ये शिवसेना? मैं तो एक चीज़ जानता हूँ, विपरीत काले विनाश है बुद्धि। शिवसेना की जो बुद्धि थी विनाश काल की तरफ चली गई थी। अगर वो मिलना भी चाहेंगे तो मुझे लगता है शायद बीजेपी ये जो जख्म सा है शायद इसको निभाएगी नहीं। आप देखिए एक बात, जब कितना बोझ पड़ेगा अगर राष्ट्रपति शासन लागू हो रहा है तो कितना बोझ पड़ेगा पब्लिक के ऊपर, जनता के ऊपर, चुनाव का कितना बोझ पड़ेगा, ये क्या शिवसेना ने सोचा नहीं है? इसके बारे में सोचना चाहिए था उनको। अब अगर वो लोग अब भी अगर वो कोशिश करते हैं, अगर लिख के देते हैं कि हम कोई हमारी मांग नहीं है, अगर शर्त आपका समर्थन करना चाहते हैं तो उस पर हमारा हाईकमान कुछ ना कुछ सोचेगा, उसके लिए कुछ करेगा। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो भी अहंकार के अपने गुट्ठी में चले पड़े हैं और इधर इन्होंने दोस्ती ठुकराई है, तो इसका तो रिजल्ट यही आएगा कि अगर दोबारा चुनाव होता है तो वहाँ की जनता, पढ़ी लिखी जनता, वहाँ की इंडस्ट्री, वो एक बहुत बड़ा वो एक वहाँ का व्यवसाय प्रदेश है महाराष्ट्र, वहाँ के जो लोग हैं वो जरूर इस बात से शर्मिंदा होंगे कि हमारे साथ शिवसेना ने हमारी वोटों की इज्जत नहीं रखी है और उन्होंने हमारी जो है तोहीन करी है वोटों की। जो एनसीसीपी के और शरद पवार की टीम के साथ होते तो फिर भी बात ठीक थी, पर कहाँ वो कांग्रेस से मुलाकात करने गए जिन्होंने बाल ठाकरा, स्वर्गीय बाल ठाकरा साहब के टाइम से और आज तक जब चुनाव से के टाइम तक उनको कोसते रहे हैं, तो वो कैसे इनसे गठबंधन कर लेगी? अफसोस तो इसी बात का है कि इन्होंने छवि खराब करी है अपनी और देश की। जिन लोगों ने बाला साहब ठाकरे जो है इटालियन बोलते थे मैडम ये सोनिया गांधी को, तो बेटा आज मैडम इटालियंस के शरणों में गए हैं और मेरे ख्याल से ठुकरा दिया गया, तभी तो नौबत आई है कि जब राष्ट्रपति शासन लगने जा रहा है, तो क्या कहेंगे? ऐसा है कि जिन लोगों ने धारा 370 का विरोध किया, जिन्होंने राम मंदिर निर्माण करने को रोकने के लिए अपने वकील भेजे, अपने मिनिस्टर जो थे वो वकील भेजे, आज शिवसेना जो कि पहले राम मंदिर के बारे में कहती थी, 370 के बारे में कहती थी कि ये करिए, परंतु आज विरोधियों के साथ मिल गई है, तो इसका मतलब इनमें कोई राष्ट्रीयता की भावना, कोई देशभक्ति की भावना जो है वो समाप्त हो गई है। इनका सिर्फ एकमात्र उद्देश्य सत्ता को प्राप्त करने का है और वो भी वो सत्ता पूरे परिवार की रहे, परिवार के अलावा किसी की नहीं होनी चाहिए। और बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि जो संजय राउत कर रहा है वो इनकी जड़ें खोदने की कोशिश कर रहा है ताकि शिवसेना बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और ये संजय राउत जो है ये इन्हीं पार्टीज का, कांग्रेस और एनसीपी का दलाल है, एजेंट है, बिल्कुल ये इनका दलाल है और ये उनको शिवसेना को बिल्कुल ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ वहाँ की जो जनता है, महाराष्ट्र की जो जनता है, देशभक्त जनता जो है वो सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी। और अगर दोबारा इलेक्शन हुए
तो 200 से कम सीट नहीं आएंगी भारतीय जनता पार्टी की अकेले दम पे। मैं आपके उससे माध्यम से बताना चाहता हूँ, जब चुनाव जीत के रिजल्ट आया था तो आपने देखा था, इन्होंने उद्धव ठाकरे ने अपने बेटे का पोस्टर लगाए थे मुख्यमंत्री के, पूरे राष्ट्र में मुख्यमंत्री का पोस्टर लगा था। पर जब ये समझौता करने निकले एनसीपी से और कांग्रेस से तो वहाँ उद्धव ठाकरे के पोस्टर लग गए। ये क्या बात है भाई, वहाँ पिता के पोस्टर लग गए, उन्होंने पोस्टर लगा दिया पिता के, अब मुख्यमंत्री उद्धव जी होंगे यहाँ के मुख्यमंत्री, और उसके बाद एक सिंधे का भी नाम इन्होंने उछाला जो सिंधे जी थे उनका। पर मैं ये कहना चाहता हूँ, ये क्या विमुना है, पहले पुत्र का फिर बाप का ये पोस्टर लगाते हैं वहाँ, उसके पब्लिसिटी करते हैं, और ये जो पब्लिसिटी झूठी है करे हैं इन्होंने, अब जनता को समझ में आ गया है। और उनके जो केंद्रीय मंत्री से उन्होंने पद से इस्तीफा दिया लोकसभा से, वो भी उन्होंने इसी बेस पे दिया है कि बीजेपी को बदनाम करते हैं कि उन्होंने हमें धोखा दिया। संजय रावत का जो भूमिका है, जैसे महारा भारत में जो है शकुनी मामा की थी, तो जो इस तरह से जो है रसातल में जो ये शिवसेना जाएगी, उसका श्रेय जो है रावत, संजय रावत को भी जाएगा। और जो मूक बने हुए थे उदय ठाकरे, वो पुत्र मोह में वो अपने आप खुलकर न बोल करके उसको माध्यम बनाया जाता है संजय रावत को। अब राष्ट्रपति शासन लगने की नौबत जो आ रही है, और कांग्रेस और एनसीपी ने भी ठुकरा दिया, कांग्रेस ने ठुकरा दिया क्योंकि मैडम सोनिया गांधी की यहाँ आज मीटिंग थी, तो मुझे लग रहा है कि सोनिया गांधी ने ठुकरा दिया और अब राष्ट्रपति शासन लगेगा, तो किस तरह का समीकरण बनेगा और क्या भविष्य होगा? देखिए, शिवसेना ने अपना बिल्कुल विश्वास खत्म कर दिया है बॉम्बे और महाराष्ट्र की जनता के आगे। अब शिवसेना 0/0 हो चुकी है।